नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दूसरे दिन लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज के ठिकानों पर इतना कैश मिला है कि इनकम टैक्स की टीम भी हैरान है और नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। अब तक क्या क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिलने के बाद सजग और सतर्क हुई। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम और इनकम टैक्स टीम के रडार पर कानपुर और कन्नौज के कई इत्र कारोबारी आ गए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये छापेमारी की कार्रवाई पिछले 24 घंटों से लगातार चल रही है। इसी बीच खबर ये भी है कि कन्नौज स्थित उनके आवास से कैश मिला है, जिसे गिनने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है और कार्रवाई चल रही है। इसी बीच पुष्पराज के करीबी याकूब मियां के भाई मलिक मियां के कन्नौज ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। ये भी एक इत्र कारोबारी हैं और यहां से भी बैग में नोटों का जखीरा मिला है। महानिदेशक जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद अब आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के इत्रलोक यानी कन्नौज में ऑपरेशन खुशबू को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की टीम बीते 28 घंटों से कन्नौज में डेरा डालकर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर, फैक्ट्री समेत अन्य ठिकानों पर छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई 3 दिनों तक चलने की बात सामने आ रही है। पंपी जैन के घर और फैक्ट्री से आयकर विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं। कुछ दस्तावेजों के मिलने की भी बात सामने आ रही है। आयकर विभाग के कुछ और अधिकारी मुंबई से कन्नौज पहुंचे हैं। आयकर विभाग आज देर शाम प्रेस नोट भी जारी कर पुष्पराज जैन के यहां पड़ी छापेमारी की कार्रवाई के बारे में जानकारी दे सकता है। सपा एमएलसी पंपी जैन समेत कन्नौज के कई बड़े इत्र कारोबारियों पर आयकर छापे की तैयारी 2 महीने पहले से ही थी। इन इत्र कारोबारियों के व्यापार टर्नओवर आईटीआर की गहन छानबीन की जा रही है। साथ ही कन्नौज कानपुर से लेकर मुंबई तक फैले उनके बिजनेस का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अपनी जांच में केंद्रीय एजेंसियों ने ये पाया है कि ये व्यापारी जितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसकी तुलना में इनका व्यापार कहीं ज्यादा है। टैक्स चोरी में इन कारोबारियों के रिश्तेदार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाए गए हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि कई डमी नामों का प्रयोग कर व्यापार किया जा रहा है। असल में कारोबार के असली मालिक ये इत्र कारोबारी ही हैं। कानपुर के पूर्व जीएसटी कमिश्नर संसार चंद से भी इत्र कारोबारी पैंपी जैन का नाम जुड़ा था। वर्ष 2018 में संसार चंद को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इस वर्ष जुलाई में सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार का नया केस दायर किया था। सीबीआई के मुताबिक संसार चंद ने टैक्स चोरी रोकने की बजाय उत्पादक इकाइयों, सेवा प्रदाताओं और बड़ी फर्मों को कर चोरी की खुली छूट दे रखी थी, उसके बदले में मोटा माल लेते थे। एमएलसी पुष्पराज जैन पर सीजीएसटी के एक सुपरिटेंडेंट के जरिए संसार चंद को रिश्वत देने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुष्पराज उर्फ पंपी जैन सुर्खियों में आ गए थे और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए पुष्पराज जैन 2016 में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य बन गए थे। अखिलेश यादव जो अब तक पीयूष जैन को बीजेपी का आदमी बता रहे थे, अब क्या कहेंगे? क्या पुष्पराज जैन को भी बीजेपी का एमएलसी बता देंगे? जब नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है तो लाजमी है मामला बहुत बड़ा है और यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए गहरा सदमा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।